सुभालो शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे धाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन का महीना चल रहा है तो मैंने सोचा आज की शुरुआत जो है वो शिव के नाम से की जाए। आप लोगों को भी शिव के सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं जिस नंबर की बात करने जा रही हूँ ना, अगर आप लोगों के बर्थ चार्ट में वो मिसिंग है तो आप लोगों को शिव पूजा ही उस नंबर की एंट्री करा सकती है। शिव कृपा उस नंबर के लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं बात करूंगी भाग्यांक 7 की, उनका करियर कैसा होना चाहिए, उनके पास मनी का फ्लो कैसा होगा, अच्छा होगा, या आपके पास 7 मिसिंग है तो किस चीज़ की ऐसी कमी होती है आपके जीवन में जिसके लिए 7 बहुत ज़रूरी है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। और इसके लिए मैंने सबसे पहले जो शुरुआत करी है शिव नाम की, तो शिव पूजा तो इस नंबर वालों को करनी बहुत ज़रूरी होती है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड वास्तु कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, नंबर तो सारे ही अनूठे होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं अगर उनको ध्यान से समझा जाए। किसी नंबर से ना तो डरने की ज़रूरत है ना घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ईश्वर ने ये नंबर्स बनाए हैं, जो हमें डेट ऑफ बर्थ दी है, तो फिर उसकी बनाई हुई चीज़ कोई ख़राब तो हो ही नहीं सकती। आज मैं बात करती हूँ नंबर 7 के लिए, जिनका डेस्टिनी नंबर 7 होता है, आज मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ नोट करें और उसका टोटल करें, डे मंथ ईयर, इन तीनों का जब आप टोटल करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका टोटल का जो सिंगल डिजिट में जब आप लेकर आएंगे तो क्या वो 7 है, तो आप हैं डेस्टिनी नंबर 7 के। या आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में अगर 7 मिसिंग भी है तो जो रेमेडीज मैं एंड में बताऊंगी उसको आप प्लीज़ नोट करके करिए ज़रूर, क्योंकि अगर आप डेस्टिनी नंबर 7 के हैं या आपका डेस्टिनी या आपका 7 बर्थ चार्ट में मिसिंग है, दोनों ही केसेस में आपको उपाय तो करने ही चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि डेस्टिनी नंबर 7 वाले होते कैसे हैं। ये लोग बड़े रिसर्चर होते हैं, खोजी होते हैं, हर चीज़ की तह में जाना, उनको खोज करना, हर चीज़ की रूट में जाना उन लोगों को पसंद होता है। ये लोग कभी भी एक आधा आपने कुछ बताया और उसमें ये चुप हो गए, ये ऐसे नहीं, ये क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करेंगे, उसकी जड़ तक जाएंगे। इसके अलावा ये लोग इंट्यूटिव होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत कमिटेड होते हैं, लॉयल होते हैं ऐसे लोग, और डीप थिंकर होते हैं, सोचते बहुत हैं। इसके लिए ये थोड़ा सा सेपरेटेड होते हैं, इनमें सेपरेशन की भावना होती है और ये डिटैचमेंट का भी नंबर है। काम होते हैं, हम्बल होते हैं, क्वाइट होते हैं और सेंसिटिव भी होते हैं। इन्वेंटर होते हैं। इन्वेंटर क्यों होते हैं? क्योंकि इनको खोजने की आदत है तो कुछ ना कुछ इन्वेंट कर लेते हैं ये। पेशेंट बहुत होते हैं, पेशेंस लेवल इनका बहुत हाई होता है। ऐसे लोग सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं और क्रिटिक्स तो ये कमाल के होते हैं। किसी भी चीज़ की खोज करना, उसकी जड़ तक जाना और आपके किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, ये इन लोगों की खूबी होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये लोग जो है बहुत ज़्यादा एनालिटिक होते हैं। अब इतनी सारी क्वालिटीज़ जिस चीज़ में होंगी तो उनको करियर क्या बनाना चाहिए, इसी से मिलता जुलता, यानी कि अगर आप साइंटिस्ट बन जाए, आप रिसर्चर बन जाए, आप इंजीनियर बन जाए, तो आपकी ये जो खूबी भगवान ने आपको दी है वो इस प्रोफेशन में बहुत काम आएगी। इसके अलावा आप हीलर बन सकते हैं, स्पीकर बन सकते हैं, प्रीचर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी आप लोग जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऑकल्ट साइंस के लिए नंबर 7 होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो डेस्टिनी नंबर 7 हो या आपकी बर्थ चार्ट में 7 आए। तो कितने सारे काम हैं। इसके अलावा आप लोग एडिटर बन सकते हो और स्पोर्ट्स में भी आप लोग बहुत कुछ कमाल कर सकते हो। तो बहुत सारे करियर मैंने बताए। जो बच्चे अभी अपना करियर चुनना चाहते हैं और वो डेस्टिनी नंबर 7 के हैं, तो आप लोग निश्चिंत होकर, इतने सारे मैंने ऑप्शंस बताए हैं, आप लोग इसमें से कुछ भी कर सकते हैं।
अगर आप अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से अपना करियर चूज करते हो तो उसमें सफलता आपको 100% मिलती है, नहीं तो कहीं ना कहीं आप लोग कुछ ना कुछ मिस हो जाता है और गलत करियर चुनने से आप लोग पीछे रह जाते हैं। तो करियर चुनना बहुत ज़रूरी है अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से। चलिए अब मान लीजिए कि आपके बर्थ चार्ट में ये नंबर नहीं है तो क्या करें। सबसे पहले मैं कलर थेरेपी की बात करूं तो आप लोगों को वाइट एंड बिल्कुल लाइट शेड, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, ये शेड्स पहनने चाहिए। अगर आपका डेस्टिनी नंबर 7 है तो लाइट कलर और वाइट कलर ही आपको सूट करेंगे। तो अपने आसपास यही कलर रखिए और पहनिए भी ज़्यादा लाइट कलर्स ही। शिव पूजा तो आपको करनी ही है, आपके आराध्य देव हैं, इसके साथ आप गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कबूतरों को बाजरा खिलाइए, आप एक काला और सफ़ेद कंबल किसी भिखारी को सर्दियों में गिफ्ट कर दीजिए, वो उसके आपका उपाय हो जाएगा और उसकी ठंड ढक जाएगी। कुत्ते को दूध में भीगी हुई रोटी खिला सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। ये नंबर जो है डिटैचमेंट का नंबर है, ये नंबर ऐसा है कि अगर ये ईश्वर से जुड़ जाए तो इसको इतनी उपलब्धियां मिलती हैं कि वो जीवन में समेटते समेटते थक जाता है। तो आप लोगों को शिव पूजा और मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। चलिए अब मैं बताती हूँ कि क्या पहनने से आपकी इन रेमेडीज़ की ज़रूरत भी बहुत कम रह जाती है। आपको एक क्रिस्टल पहनना चाहिए, ये जैसे मैंने क्रिस्टल पहना हुआ है ऐसे आप लोगों को भी एक क्रिस्टल पहनना चाहिए। आप लोगों को सिल्वर वॉच, रिस्ट वॉच भी पहननी चाहिए जरूर। सिल्वर मेटल, मेटल का एलिमेंट है और वो भी सिल्वर का 7 नंबर। अगर आप जितना सिल्वर पहनेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आप ब्रेसलेट पहनना चाहते हैं तो कैट आई का भी ब्रेसलेट पहन सकते हैं। कितनी सारी चीज़ें बता दी, इसमें से अगर कुछ भी आप करेंगे तो आपका डेस्टिनी नंबर 7 या मिसिंग 7, मिसिंग 7 मैं क्यों बता रही हूँ कि क्यों ज़रूरी है, क्यों ये उपाय आपको करने चाहिए, क्योंकि 7 नंबर को हम मानते हैं कि ये संतान सुख का नंबर है। संतान और नंबर से भी हमारे पास आती है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न, या संतान हो तो गई लेकिन उसके सुख पाने का रीज़न जो है वो 7 नंबर होता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये नंबर नहीं है तो आप ये उपाय कीजिए, सिर्फ इसलिए भी कि आपको करियर अच्छा करना है, बल्कि इसलिए भी कि आपको संतान सुख तो चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो और इसकी इतनी यूज़फुल टिप्स या रेमेडीज़ जो मैंने आप लोगों को दी हैं वो आपके ज़रूर काम आएगी। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग मेरे कोर्स ज्वाइन करने चाहते हैं तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपसे विदा लेती हूँ, अगले वीडियो तक नमस्कार। थैंक यू फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।